नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ईशान किशन ने जिस तरीके से जबरदस्त पारी खेली और मात्र 131 बॉल में 210 रन का बड़ा स्कोर बनाया, और सबसे बड़ी बात यह रही कि उनके साथ विराट कोहली ने भी धुआंधार पारी खेली, उन्होंने भी आज शतक बनाया। दोनों ने मिलकर एक बहुत लंबी पार्टनरशिप करी और ईशान किशन ने आज ये जो 210 रन बनाए हैं, जब इन्होंने अपने 200 रन कंप्लीट किए, 126 बॉल के अंदर इन्होंने 200 रन का आंकड़ा पार किया, तो ये दुनिया के सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 7 बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी तक दोहरा शतक बनाए हैं, जिसमें भारतीय 4 बल्लेबाज भी हैं। उन चारों बल्लेबाजों में नाम ईशान किशन का भी जुड़ गया है, जिनमें वीरेंद्र सहवाग हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 3 बार 13 शतक मारे हैं रोहित शर्मा ने। तो ईशान किशन अब इनकी जो कैटेगरी है उसमें जुड़ गए हैं। साथ ही इनके अलावा फखर जमान है, क्रिस गेल है और टिम साउथी है। तो ये सारे जो बैट्समैन हैं, इन्होंने जबरदस्त तरीके से बैटिंग करी है और 200 रन जो इन्होंने ओडीआईज में बनाए हैं, सबसे ज्यादा 264 का जो आंकड़ा है वो रोहित शर्मा ने ही बनाया है। तो सबसे तेज 200 रन का स्कोर ईशान किशन ने बनाया है और मात्र 126 बॉल में बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, 138 बॉलों में उन्होंने 200 रन बनाए थे। तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज गति से 200 यानी दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं ईशान किशन। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिस तरीके से ईशान किशन की आज ताबड़तोड़ पारी रही, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग रही उनकी, 10 सिक्सेस उन्होंने लगाए, तो ईशान किशन की ये बल्लेबाजी इतिहास में दर्ज हो गई है और उनके नाम ये सुनहरा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है कि सबसे तेज अभी तक 200 का स्कोर बनाने वाले बैट्समैन ओडीआई में वो हैं ईशान किशन, जो कि भारतीय बैट्समैन है। क्रिस गेल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत ही बड़ी और धुआंधार पारी आज ईशान किशन के द्वारा खेली गई, उनमें एबिलिटी है, सभी जानते हैं। पहले अपडेट के लिए जयपुर वॉइस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।